माँ बाप को अगर कुछ देना है अपने बच्चों को तो अच्छे संस्कार दें, क्योंकि अच्छे संस्कार हुए तो पैसे तो वो अपने दम पे भी कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट, आपका स्वागत करते हैं मेरे कुकिंग चैनल पे जिसका नाम है हेल्दी जायका। तो चले कुछ अच्छा बनाने। देखिए आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेकर के जिसका नाम है हैदराबादी दम बिरयानी। बिरयानी दुनिया में अगर कोई बिरयानी का कैपिटल हो सकता है तो वो हैदराबाद ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ अगर आप फेस्टिवल्स पे या कोई ओकेजन पे पहुंच जाओ तो चारों तरफ आपको हैदराबाद में बिरयानी ही बिरयानी मिल जाएगी, और सब एक से बढ़ के एक। चलिए जानते हैं इस बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स हमारे हैदराबादी दम बिरयानी के, इसमें हमने तकरीबन 200 ग्राम कटहल के लिए लिए, या जैकफ्रूट आप कर सकते हो बड़े बड़े कटे हुए, ज्यादा छोटे की जरूरत नहीं है। 2 बड़े चम्मच अदरक के, 2 बड़े चम्मच लहसुन के हमने साथ में ही रख लिया है एक कटोरी में। एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना बाद में गार्निशिंग और लेयरिंग के लिए। 3 प्याज का बेरिस्ता हमने पहले ही पका लिया था, बेरिस्ता आपको जल्दी मेरे चैनल पे उपलब्ध होगी इसकी रेसिपी। 1/2 कटोरी ड्राई फ्रूट्स, या ड्राई फ्रूट्स में आपको जो पसंद हो, काजू बादाम किशमिश सब चलेगा। 4 बड़े चम्मच दही के, दही थोड़ी खट्टी होगी क्योंकि बिरयानी खट्टी ना हो हैदराबादी ये हो ही नहीं सकता, जिसको हम मैरिनेशन में यूज करेंगे। इसमें तकरीबन हमने 2 कप आपके बासमती राइस अच्छे क्वालिटी के आधी घंटा पहले ही सोक कर दिया था, जिससे वो पकते वक्त बड़े बड़े हों और साथ में पकने का टाइम भी कम हो जाए। थोड़ा सा केवड़ा वाटर फ्लेवर देने के लिए, थोड़ा सा हरा रंग, थोड़ा सा लाल रंग राइस को कलर देने के लिए, देखने में अच्छा लगता है। अब ये कुछ सूखे मसाले हमारे बिरयानी के लिए, जिसमें हमने 1 चम्मच छोटा कश्मीरी मिर्च लिया है, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची के टुकड़े, 8 से 10 लौंग के टुकड़े, 8 से 10 छोटी इलायची के टुकड़े और 8 से 10 काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स देख के चौंक गए ना, पर घबराइए मत, ये इंग्रेडिएंट्स जैसे जैसे आप यूज करोगे तो आप समझोगे एक एक चीज का क्या वैल्यू है इस बिरयानी में। सबसे पहले 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डाल के हम कटहल को 1 सीटी तक पका लेंगे। पकने के बाद कुछ कटहल ऐसा दिखेगा। अब चावल को पकाने के लिए एक गहरे बर्तन में तकरीबन 5 से 6 कप पानी डाल करके, थोड़ा सा तेल, खड़े मसाले, नमक डाल करके उबाल आने तक के लिए वेट करेंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हम अपने सारे खड़े मसाले निकाल लेंगे, बाद में उसको हम बिरयानी की छौकन में यूज कर लेंगे। अब हम इसमें राइस डाल देंगे, जैसे ही उबाल आएगा राइस डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर चला करके चेक कर लेंगे कितने पका हमारा राइस। हमें राइस को ज्यादा नहीं पकाना है, बस 80% तक ही पकाना है। जैसे ही चावल पक जाएगा तो हम उसको छान लेंगे। थोड़ा सा वाटर का स्टॉक रख लीजिएगा, हम इसको करी में यूज करेंगे बाद में, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लेवरी वाटर है तो बहुत बढ़िया काम करता है हमारे राइस की बिरयानी में। पकने के बाद राइस हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए कितने लंबे लंबे दाने हैं, अच्छे से खिल के बने हुए हैं। अभी कुकर में 2 बड़े चम्मच घी के, 2 बड़े चम्मच तेल के हमने कंबाइन करके यूज किया है, क्योंकि मुझे घी थोड़ा कम पसंद है। अब इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स और कटहल को फ्राई कर लेंगे। कटहल को फ्राई करके डायरेक्टली हम अपने मैरिनेशन बाउल में, जिसमें हमने दही और सारे मसाले मिला के रखे हैं, उसमें ही डाल देंगे। उसमें हम थोड़ा सा नींबू डालेंगे, क्योंकि अगर दही खट्टी नहीं तो नींबू डाल लें, क्योंकि हैदराबादी बिरयानी खट्टी न रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैरिनेशन करने के बाद हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अब उसी कुकर में जिसमें हमने कटहल और अपना ड्राई फ्रूट फ्राई किया है, उसमें हम अपने सारे खड़े मसाले डालेंगे जो हमने राइस के समय निकाले थे। अब उसमें प्याज डाल के हल्का सा ब्राउन कर लेंगे और सारे मैरिनेशन वाले जो हमारे मसाले थे उसको डाल के थोड़ा खोल करके ऐसे ही पकाएंगे बिना ढके। जैसे ही उसमें उबाल आ जाएगा तो हम अपनी इसकी लेयरिंग करेंगे। रुकिए, अभी खाने के लिए तैयार नहीं, अभी तो हमने अपने बिरयानी में स्मोकी फ्लेवर दिया ही नहीं है। इसके लिए आप अपने बिरयानी के बीचों बीच एक कटोरी रख दें
और एक कोयले को जलते हुए बीच में रख के उस पर एक चम्मच घी का डाल करके जब स्मोक होने लगे उसको बंद कर दें। उसके बाद 15 मिनट बाद खोलें और देखें बिरयानी कितनी अच्छी लग रही है। एक एक राइस का टुकड़ा बड़ा बड़ा और सारे ड्राई फ्रूट्स कटहल सब बढ़िया से पक गए। बन गई हमारी हैदराबादी दम बिरयानी। इसमें मैंने केवड़ा का इस्तेमाल किया है। केवड़ा बेसिकली लखनवी साइड बिरयानी में ज़्यादा यूज़ होता है। हैदराबादी दम बिरयानी में बेसिकली इलायची का ही मोस्टली फ्लेवर होता है, पर इसमें मैंने थोड़ा सा कुछ चेंज भी किया। आप इसको बेसिकली हैदराबाद और लखनवी बिरयानी का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, पर ये कॉम्बिनेशन बढ़िया लगता है। आप भी ट्राई करना, तो आप मुझे रिव्यू में फीडबैक में मुझे कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा। हाँ, ये रेसिपी थोड़ी लंबी है, इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा हैं, तो वीडियो लंबी होने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी। पर आप जब बनाओगे तो आपका जो टाइम लगा है ये पूरा वर्थ जाएगा। आप खाओगे उसके बाद सब कुछ भूल जाओगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इस चैनल के अगले वीडियो पे जिसका नाम है हेल्दी जायका। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत थैंक यू, पर नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे नोटिफिकेशन नहीं करोगे तो यूट्यूब के एल्गोरिदम के अनुसार ये आपको जब भी मेरे वीडियो अपलोड होगी तो आप तक नहीं पहुँचेगी। तो आज के लिए इतना ही, और याद रखिएगा अगर अच्छा खाना है तो अच्छा बनाना है। शुक्रिया, थैंक यू।